सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर में लगातार बाढ़ तबाही मचा रहा है। मधकौल के अंदर बांध टूटा और उसके बाद जो रून्नी सैदपुर है, रून्नी सैदपुर के पश्चिम साइड का जो एरिया है, जो NH-77 गुजरता है, वहां तो तबाही मचाया ही है। अब NH-77 के पुल के रास्ते अब जो पानी है वो देवना बुजुर्ग पंचायत होते हुए गंगवाड़ा बुजुर्ग पंचायत, टिकौली, उसके बाद लगातार जो पूरब साइड का जो एरिया है उसमें लगातार तबाही मचा रहा है। और मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं अभी, और यहाँ जो महसौल गांव का सुंदरपुर महादलित मोहल्ला है वहाँ चीख पुकार मचा हुआ है। लगभग कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जहाँ पानी नहीं घुसा होगा। और अपने दर्शकों को ये भी बता दूँ कि कल 8 बजे से ही बिजली पूरी तरह से गुल है, पूरा मोहल्ला अंधेरा है, नीचे पानी बह रहा है। आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ के अंदर जो सांप, बिच्छू या कीड़ा मकोड़ा होगा, पहले तो उनसे भी बचना होगा इन लोगों को। और इन लोगों की जो एक और शिकायत है कि हम ऊंचे स्थान पे जाएं तो कहां जाएं, स्कूल के अंदर ताला मार दिया गया है। तो खास तौर से जो जिला प्रशासन है या ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं, उनको इन चीजों का ध्यान देना चाहिए था कि जब बाढ़ का पानी उधर से इधर आएगा तो ये लोग जो नीचे स्थान पर रहने वाले लोग हैं वो लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। लगातार जो चीख पुकार मचा हुआ है, लगातार इन लोगों का कहना है कि स्कूल था उसके अंदर पिछले बाढ़ में हम लोगों ने शरण लिया था और वहाँ कम्युनिटी किचन भी चला था, लेकिन जो स्कूल के हेड मास्टर साहब हैं वो ताला मार कर कर करके लापता हैं। ऐसे में जो खास तौर से जो जिला प्रशासन है उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि उन लोग स्कूल का ताला खुलवाए और इन लोगों को रहने की वहाँ व्यवस्था की जाए। और लगातार जो है पानी का बहाव जो है वो तेज होता जा रहा है, लोगों को लगातार डरा रहा है। फिर से मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पानी जो आया है वो रविवार को मधकौल के अंदर बांध टूटा और उसके बाद जो लगातार जो है तबाही मचा हुआ है, लगातार जो है वो रून्नी सैदपुर के अलग अलग क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है। और अब ये पानी जो गंगवाड़ा बुजुर्ग पंचायत है वार्ड 9 वहाँ पहुँच गया हुआ है, महादलित मोहल्ला के अंदर अब जो बाढ़ है वो डराना शुरू कर दिया हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है जिला प्रशासन पे कि वक्त रहते हुए अगर वो कोई व्यवस्था किए होते तो शायद ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। अब इन लोगों पे जान और माल का खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा है। इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि हम लोग अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि जो हमारा घर के अंदर सरो सामान था, जो कीमती सामान था, वो भी हम निकाल नहीं पाए हैं। अब सड़कों पर खड़े हुए हैं और सड़कों पर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई मेरी मदद के लिए यहाँ आए। तो यहाँ जो कुछ लोग हैं उन लोगों से बात करते हैं और उन लोगों की जो पीड़ा है, उन लोगों का जो दर्द है वो समझने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ बाढ़ अपना पूर्ण रूप ले चुकी है और यहाँ महादलित जो टोला है हर घर में पानी घुस चुकी है। अच्छा। और यहाँ कोई प्रशासनिक सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, ना कोई देखने तक भी नहीं आया है कि क्या स्थिति है। देखिए, यहाँ 100 से 150 घर है, हर घर में पानी प्रवेश कर चुकी है जी। तो आपने इसकी सूचना दिया था जिला प्रशासन को या ब्लॉक के जो प्रशासन है, BDO साहब या CO साहब, उसको सूचना दिया था आपने? सूचना तो देखते ही आ रहे हैं, लगातार रून्नी सैदपुर पूरा प्रखंड ही बाढ़ग्रस्त था। अच्छा जी, ऐसे में क्या मदद चाहिए आप लोगों को, जो लगातार जो परिवार जो है उन लोगों? ऐसे में यहाँ रहने के लिए व्यवस्था और सुरक्षित जगह चाहिए और खाने पीने के लिए जो व्यवस्था उकरा और रस्सी तिरपाल जो है उसका व्यवस्था कराई जाए। मेरा नाम गोपाल यादव है। अच्छा जी, तो ये अभी जो बाढ़ की स्थिति है सभी लगभग घर में पानी घुसा है क्या? सभी लगभग नहीं सर, घुस चुका है। अच्छा। और यहाँ का जो भी आदमी लोग है, जनता लोग, हम आए हैं मिलने के लिए, देखे हैं, इतना भयावह स्थिति है जो देख कर रूह काँप जाएगा। अभी तक यह दुर्लभ जो भी जिला पदाधिकारी है, अभी तक हमको मुआवजा जो आती होता है देखने के लिए भी नहीं आया है। हम लोग से वह अनुरोध विनती करते हैं कि जल्द से जल्द आवे और यहाँ के जितना भी स्थानीय लोग फंसे हुए हैं उनके उचित स्थान दिया जाए और किचन का व्यवस्था मुहैया कराया जाए।
घर में ढुक गया या कोई नहीं सहारा है तब पानी में हम तो डूब जाएगा, दहा जाएगा कि कोई सहारा नहीं है, ना गांव घर मिलता है कि कहाँ हम सब ठान ही देवा कहाँ रह। माने कथी माने कहू दहार आये है माने पानी आये है तो माने कथी लोग खाते कथी कहाँ रहता है बिस्कुट किन के ले लिया बाजार पर से तब खैली बाले बेटी आय बिस्कुट ले लिया एक किलो चूड़ा ले लिया बाले बेटी खेलिए पानी में ना जरना दहा गेल जरना बा चल गेल कहाँ ना कहाँ न हमरा सके रह के न कहाँ रह आदमी एक बार बोलिए ना क्या बोले हैं माने करी ना रहे के साधन है ना ठहरा हो के साधन है हम तो कहाँ रहूं आए कहाँ रहूं हम सब कथी खाऊ कथी कहाँ रखूं बाल बच्चा के स्थान देखिए ना कहीं तो ऊंचा स्थान रही ऊंचा स्थान पहले देते तब ना हम सब रहबे जहां देते ऊंचा स्थान तब ना रहबे इससे पहले बाढ़ आया था तो कहाँ रहती हां तो हम सब अपन कछरी में रहत रहली है हां तो फिर वही देखिए ना जान बचेगी तभी तो कर पाई हां ओला तो ताला मार देले है ओला मन ना रहे दई छै कि ना दई छै लगा कहां रह स्कूल में ताला मार दिया हां जहर में स्थान में ताला मार देली स्कूल में ताला मार देली तो कहां लोग रहता है स्कूल घेराइल है या गेट पर ताला लागल से हिंसा न देखै स क्या कर रही है स्कूल के से गेट पर ताला लागल है से हिंसा न देखै स तिन बाउंड्री घेराइल है ओइन ताला लागल है से न देखै छ कि आय त लोग के माहे जते कि नहीं जते मानजल कहां रह सर मेरे यहां गंगवारा पंचायत के सुंदरपुर टोला में बहुत बाढ़ तेजी से बढ़ रहा है और पानी के कारण लोग जो है ना रोड पर आ चुके हैं घर से माल जाल को बचाने के बजाय माल जाल को भी नहीं बचा रहे और अपना शरीर भी नहीं जान नहीं बचा पा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि मेरे यहाँ प्रशासन से यही आग्रह है कि आके सभी का जान बचाए। मैं अपने दर्शकों को फिर से जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के गंगवाड़ा बुजुर्ग पंचायत में हूँ और गंगवाड़ा बुजुर्ग पंचायत का ये मेहसौल गाँव है। मेहसौल गाँव का ये सुंदरपुर जो महादलितों की बस्ती कहलाता है वो है और लगातार भय का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।